ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमा की बच्ची, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक तो है ना? मुझ गरीब पर बहुत मेहरबानी की आपने, अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। अल्लाह ताला जरूर आपको इसका अजर देगा। कौन थे ये लोग? सौदागर, जिस्म के व्यापारी, बहन बनाकर मुझे लाए और एक दरिंदे के हाथ मुझे बेच दिए। इसी तरह अपने आप को बचाकर। घबराइए नहीं, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। चलिए, मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। मेरा कोई घर नहीं है। कोई घर नहीं है? मैं यतीम हूं, बेसहारा हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आपने मेरी जान बचाई है तो एक ऐसा ना और कर दीजिए, मेरा गला घोट दीजिए। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ऐसा मत कहो। जिंदा रहूंगी तो इन दरिंदों के जाल में फिर बैठ जाऊंगी और ये लोग मुझे मरने भी नहीं देंगे। तुम जिंदा रहोगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मगर एक शर्त पर। तुम मेरे घर में सलमा नहीं, शांति बन कर रहोगे। शांति? अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां। आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। Thank you.
मुझे छोड़ दो, मुझे बता रहा मुझे हरामजादे छोकरे ने हमें देख लिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब मेरे बड़े शंकर, मैं उसका ऑपरेशन कर रहा हूँ शास्त्री, हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपका फोन। फोन? हेलो। उस छोकरे को अंधा ही रहने दो डॉक्टर। कौन हो, कौन हो तुम? अगर तुम उसकी आंखों की रोशनी वापस ले आए तो अपनी तबाही के जिम्मेदार तुम खुद होगे। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा शंकर ये बताओ, जिस आदमी को तुमने सेठ धनीराम का खून करते हुए देखा, क्या तुम उसे पहचान सकोगे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं उस जानवर को हजारों लाखों में पहचान सकता हूं। इनमें से कोई नहीं है। के बयानात और मुकदमे के हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जोगिंदर सिंह ने सेठ धनीराम का खून किया है। लिहाजा अदालत जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद की रूह से मुलजिम जोगिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा देती है। समझ में नहीं आता शास्त्री कि तुम काशीपुर छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरे गवर्नमेंट का दिया हुआ इतना बड़ा बंगला है मेरा, यहीं टिक जाओ, मैं तुम्हें कोई दूसरी नौकरी दिलवा दूंगा। डॉक्टर साहब आपने मुझे हमेशा अपना समझा है, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस फैक्ट्री में 20 साल ईमानदारी से मैंने काम किया, उसी फैक्ट्री के बेईमान सुपरवाइजर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। डॉक्टर साहब मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं शहर में नहीं रह सकता। मगर जा कहाँ रहे हो? बंबई में मेरा एक मित्र है, उसने मुझे काम दिलाने का वायदा किया है। और फिर डॉक्टर साहब बंबई बहुत बड़ा शहर है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मेरा कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है, एक शंकर और दूसरा ये अनाथ रामू। साहब चाय। हाँ
अरे डेविड साहब आप, मैं तो चाय नहीं पीता सर, डॉक्टर साहब मैं चाय नहीं पीता। देखो शास्त्री, जिस शहर में तुम जा रहे हो ना, वहां हर मोड़ पर तुम्हें कई डेविड, कई डिसोजा, कई मोहम्मद अली मिलेंगे, किस किस से बचोगे? मेरा कहा मानो, छोड़ो ये छूत छात का चक्कर। हाँ हरिओम हरिओम। शास्त्री भैया चाय अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं, अब भाभी आप अपने हाथों से बनाकर लाई हैं तो मैं जरूर पीऊंगा। हरिओम हरिओम। अरे शंकर नीतू कहाँ चले गए? शंका मम्मी जाकर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नीतू मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, हर रोज तुम्हें एक चिट्ठी लिखूंगा और मैं हर रोज तुम्हारी चिट्ठी का जवाब दिया करूंगी। ये क्या नीतू, तुम्हारी आंखों में आंसू? शंकर तुम्हारी आंखों में भी तो आंसू है। क्या लिख रही है बेटे? शंकर को चिट्ठी लिख रही हूँ। जरा मैं भी तो सुनू क्या लिख रही है। उन्हें किसी का लेटर पढ़ना या सुनना अच्छी बात नहीं है। पर किस पते पर भेजेगी? बंबई से शंकर की कोई चिट्ठी भी तो नहीं आई। आ जाएगी। तुम तो जेल में थे। हाँ, मैं जेल में था लेकिन आज अपना हिसाब चुकाने आ गया हूं। कहाँ है डॉक्टर? कहाँ है डॉक्टर? वो क्लब गए। अभी बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। हेलो तो। अरे भाई कहाँ हो तुम लोग सब? तुम यहाँ? हाँ यहाँ। डॉक्टर तुमने उस छोकरे की आंखों का ऑपरेशन किया था ना, उसकी फीस तो तुम्हें मिली ही नहीं, सो चुकाने आया हूं। ये रही तुम्हारी फीस, रोशनी की फीस अंधेरा, लोगों को रोशनी देने वाले मैं तुझे जिंदा रखूंगा लेकिन अंधेरों में। चलो जी हाजी, मगर मैं पुलिस को फोन करता हूं। पुलिस को फोन करने की कोशिश तो तेरी बीवी ने भी की थी, उसका अंजाम देख। दीनानाथ मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपना काम बहुत जल्द पिकअप कर लिया। आज से तुम्हें एक जिम्मेदार फायरमैन मुकर्रर किए जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, मैं ड्यूटी को हमेशा अपना धर्म समझूंगा। मुबारक हो शास्त्री भाई, आपकी नौकरी पक्की हो गई और हमारी दावत पक्की हो गई। शेख साहब यह आपकी मेहरबानी का नतीजा है, वरना इस बंबई नगरी में मुझे नौकरी कौन देता? दोस्त को शर्मिंदा मत करो शास्त्री, ये लो चाय पियो। चाय? चाय तो मैं पीता नहीं, सच में चाय नहीं पीता। भगवान मैं तेरा सच्चा भगत हूं,
तुझसे सिर्फ एक ही विनती है, मुझे कभी धर्म संकट मत डालना। हरिओम हरिओम। अरे ये क्या हुआ? पिताजी सच कहूं या झूठ? मूर्ख, ब्राह्मण की संतान होकर झूठ बोलेगा? बोल क्या हुआ? वो बदमाश बेईमान एक अंधे फकीर को लूट रहा था, फिर क्या था? कर गए पवन पुत्र हनुमान मुझ में प्रवेश, वो पिटाई की के सारा दुम दबाकर भाग गया। अरे दूसरों का दुख तेरे मन में क्यों घुस जाता है? बिल्कुल अपनी मां पर गया है, वो भी किसी का दुख नहीं देख सकती थी। पड़ोस में आग लग गई, कूद पड़ी, रामू को तो बचा लिया लेकिन खुद मर गई, मुझे अकेला छोड़ गई और तुझे अनाथ कर गई। लेकिन रामू को जीवन दान दे दिया पिताजी, अपने लिए जिए तो क्या जिए? मूर्ख, ये बंबई शहर है, यहां वही जिंदा रहता है जो अपने लिए जीता है। नेता बनने की कोशिश मत कर। रामू इधर आ, देख आज से इस गधे की लगाम तेरे हाथ में है, इसने कहीं टांग अड़ाई तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? हरिओ हरिओ हरिओ। सलीम, तुझे बदलना होगा, आज से तुम हमारी निगरानी में हो, आप हमारी निगरानी करेंगे। मेरी कोई चिट्ठी है? आज भी नहीं है, हर रोज चिट्ठी 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 चिट्ठी। रामू, नीतू को इतनी चिट्ठियां लिखी, एक का भी जवाब नहीं आया, ये पोस्टमैन क्या लाएगा? बड़ा होकर जब मैं पोस्टमैन बनूंगा, हर रोज नीतू की एक चिट्ठी तुझे ला कर दूंगा, चल। बच्चे की चोर कहीं का, भगवान तेरा भला करे बेटा। क्यों बे, हमारे मोहल्ले में तेरी ये हिम्मत? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुझे माफ कर दो। तुम्हें सब अच्छा मत लो, हमारे मोहल्ले में आकर लड़कियों को छेड़ता? नहीं 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 नहीं, तुम्हें तेरे घर में माँ बहन नहीं है? घर में नहीं है, पूना गई है। पूना गई? या तो साले तू भी आज पूना जाएगा बगैर टिकट। अबे जा क्यों रहा है? मुझे जाने दो, अब तो तुझे मैं पूना छोड़। नहीं 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 शंकर, नहीं बस कर, छोड़ दे रामो। नहीं शंकर, अगर ये मर गया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। तू शंकर, ये तेरी मारधार की आदत कब जाएगी? जब देखो हाथ पांव चलाता रहता है। अरे तू बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, जरा समझदारी से काम ले। मैं पूछता हूं तुझे ये क्या हो जाता है? अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर? अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर? परम परम पम। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं
जब लगती है चोट किसी को दर्द से मेरा दिल रोता है। जब देखूं मैं जुल्म किसी पर ना जाने मुझे क्या होता है। खेलूं 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 खतरों से खेलूं जुल्म करे जो जा उसकी ले लो। अंदर की बात है मालिक के हाथ है इसमें मेरा क्या कसूर। बहुत हो गया, हर चीज की हद होती है। पानी सर से ऊपर चला गया। खान साहब क्यों बुलवाया आपने मुझे? जमानत। जमानत? जमानत, जमानत, जमानत। मैं तो तंग आ गया जमानत दे देकर। खान साहब आज मैं फैसला करके आया हूं, इसकी तो क्या इसके बाप की जमानत नहीं दूंगा। देखिए मेरी एक विनती है, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इसे जेल भिजवाइए, इसे चक्की पिसवाइए। मेरे दोस्त होने के नाते अगर ये उपकार आप मुझ पर नहीं कर सकते तो मुझे जेल भिजवा दीजिए, मुझसे चक्की भिजवा लीजिए। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं चाहिए मुझे किसी की जमानत। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? कोई नहीं। एक बात की वजह से रामचंद्र जी 14 बरस जंगल में भटकते रहे, तो क्या मैं 14 दिन इस जंगले के पीछे नहीं रह सकता? इंस्पेक्टर साहब आज दिवाली है ना, सुनने दीजिए मुझे अंधेरों में। काश आज मेरी मां होती। सावित्री, खान साहब सबर करो शास्त्री जी, ये चाय लो। चाय? नहीं नहीं, चाय तो पीता ही नहीं। खान के हाथ की चाय है इसलिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर पियो। मैं चाय नहीं पीता, मैं नहीं पीऊंगा। अपने लिए सब जीते हैं औरों की खातिर जी कर देखो। अपना दुख तो सब सहते हैं औरों के आंसू पी कर देखो। सीखो 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 यही तरीका जीने का है बस यही सलीका। पम परम पम पम अंदर की बात है मालिक के हाथ है इसमें मेरा क्या कसूर। अंदर की बात है मालिक के हाथ है इसमें मेरा क्या कसूर। मैं आदत से मजबूर, मैं आदत से मजबूर। अंदर की बात है मालिक के हाथ है इसमें मेरा क्या कसूर। कोर्ट कचहरी को टेम हो गए बच्चू भाई, चकली अभी तक नहीं आई। मेरे को तो बदहजमी की डकार आने लगी बच्चू भाई। ब्राउनी धीरू भाई, लड़की वैद्य की पक्की है। इतनी देर क्यों कर दी, कभी भी आवाज भर सकती थी। 5 रुपया 30 पैसा आप ही दो। 5-30? लेकिन तुम्हारे घर से तो 2-30 बनते हैं। वो बराबर छे, पर 3 रुपया टैक्सी वाले से रोकड़ा लिया था नाश्ते पानी के लिए। भूखे पेट आती तो अंदर झूठी गवाही तेरा बाप देता। ठीक नहीं, ठीक कहे बच्चू भाई, आप ही दो। मोनी बहन बद्दू याद छे नहीं, गवाही में सु बोलना है। भाई धीरज रखो, सब याद है। धीरू भाई की चाल, तुम्हारी बीवी, कुंवारे लाल शराबी, 12 नंबर की खोली, तुम्हें खोली खाली करवानी है ना, हो जाएगी। बहु बुद्धिमान छो। धीरू भाई
आज से अपना रेट भी बुद्धिमान हो गया। 50 से सीधा 75 रुपए। सो जुलम करो छो मोनी बहन। धीरू भाई, झूठ की कीमत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। बोलो मंजूर छे वरना हूँ जाऊँ छू। मंजूर से बापा, मंजूर से हो। मोनी याद है ना, 12 नंबर के कोर्ट में ठीक 3 बजे पहुँच जाना। तो काराम, अपने वकील से कह दो कोई और डेट ले ले। आज अपन की डेट 3 बजे 3 नंबर कोर्ट में है। थामा, थामा। आड़र, आड़र। अबला के मुंह पर हाथ रखकर बोला, प्रिय मैं जानता हूँ तू रामायण पढ़े बगैर खटिया नहीं पकड़ती, किंतु आज मुझे संतोष दोगी तो 4 तीर्थों का पुण्य मिलेगा। मिलाड, इस पॉइंट को नोट किया जाए। मैं अभी इसी वक्त ये साबित कर दूंगा कि ये गवाही सरासर झूठी है। अदालत ये जानकर हैरान रह जाएगी मिलाड कि मुल्जिम कुमारे लाल जन्म से ही गुंगा है। क्यों लाजवंती देवी, अब आप क्या कहना चाहती हैं? वही जो मैंने पहले कहा था। वकील बबुआ, आप कितने भोले हैं। आप सिर्फ जुबान की भाषा समझते हैं, नैनों की नहीं। नैन वो कह देते हैं जो जुबान नहीं कह सकती। कुवारे लाल ने कोकिला बहन से अपने नीच विचार नैनों की मुख भाषा में प्रकट किए। बुद्धिमान डिग्री छे। वकील महोदय, आपकी सूरत से प्रतीत होता है कि आपने प्रेम का प्याला अवश्य पिया है। पिया है ना? अब आप ही बताइए, नैनों की भाषा होती है ना? होती है। न्यायमूर्ति महोदय, ये पॉइंट नोट किया जाए। मुनिबेन, सू थारो वक्त छे, सू जमावे तू। रोकड़ा आपी दो। हा? पहले 25 रुपए आपो। हाथ में आया हुआ माल वापस नहीं होता। तुम्हारे ये लफड़े तो चलते रहेंगे, एडजस्ट कर लेना। ए मोनी के बच्चे, मैं कहता हूं मेरी मोटरसाइकिल से नीचे उतर। मोनी एक बार चढ़कर फिर नहीं उतरती। तो यूं नहीं मानेगी? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, चिकने मजा तो जब है के गिरते को थाम ले साखी। हट जा सामने से मुने, देख मुझे नौकरी को देर हो रही है। नौकरी को छोड़, छोकरी का सोच देख। गर्मा गर्म माल लाई हूं तेरे लिए। ए झूठी, आज किस गरीब बेकसूर को अंदर करवा के आ रही है? सब अंदर हो जाते हैं चिकने, बस एक तू ही बच के निकल जाता है। अरे मेरा बस चले तो इस पेट्रोल पंप में आना ही बंद कर दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मुझ करके का यह खाता जो खुला हुआ है। जालिम, तेरा खाता तो कब से मेरे दिल के बैंक में खुला हुआ है, मगर तू इतना कंजूस है कि कुछ जमा ही नहीं करवाता। अरे मुझे अपना दिवाला नहीं निकलवाना है। हाँ, मुझे भी अपना पंप का दिवाला नहीं निकलवाना है। अरे भाई बिल बहुत मोटो थे, क्यों अच्छा बिल चुका दो जल्दी से, नहीं तो। अरे रुस्तम से 1-2 दिन की तो बात है। नहीं नहीं, रोकरा आप ही दो, नहीं तो मोटरसाइकिल आप ही दो। तो बीजी बात में दम न थी। तुम में भी दम न थी रुस्तम सेठ। जो जो। अरे जो। आहा, पहले रसीद कापी ना को। चल चल। शंकर, हूँ आऊँ छू, पण हूँ जाऊँ छू। थालक धोखेबाज फरेबी आज फिर चकमा दे गया। कोई बात नहीं बच्चू, बच के कहाँ जाएगा। मेरा नाम भी मोनी है। ले मोनी दिख रहा है रिसीट, और झटपट रोकरा आप ही दे दो। जब छोकरा ही चला गया तो काहे का रोकड़ा साहब जी। अरे वन मिनट, यू एम पूछो कि तुम काहे को खाली पीली आजकल के ये नए मॉडल के पीछे भागती है, उसका कोई भरोसा नहीं। डैडी, आज आप प्रार्थना समाज नहीं गए? गए था बेटी, क्या ज्ञान ध्यान की बातें होती हैं, दुखी मन को बहुत शांति मिलती है। आइए,
इधर बैठिए, ये लीजिए। रहने दे बेटी, आज मन नहीं कर रहा। फिर भी आपको पीना पड़ेगा, आपको लो ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने हर रोज दो पैक पीने के लिए कहा है। पी लीजिए ना। बेटी, क्या क्या सोचा था तेरे लिए, तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, मगर तकदीर ने कहां से कहां पहुंचा दिया, और अब तू बिन माँ की बच्ची मेरे लिए क्या क्या मुसीबतें उठा रही है। डैडी, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत है कि बेचारी मुसीबत मेरे पास आकर खुद मुसीबत में फंस जाती है। चल शरीर कहेंगी। अरे आपकी पाइप अभी भर कर लाती हूँ। Good morning, Madam Zoro. What are the appointments for today? 10:30 Rotary Club meeting. This is your dress, sir. 1:30 lunch with the Modi, sir. This is your dress. 5:00 Nari Niketan ka udghatan. This is your dress, sir. 7:30 dance and dinner at the boat club. This is the dress. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शंकर, कहो भाई कैसे हो? जी अच्छा हूँ। अरे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो जी। जिस किसी को भी बंबई दिखाने ले जाते हो वो तुम्हारा ही हो जाता है। क्या जादू है तुम्हारे पास? अभी की ट्रेनिंग का जादू है सर, वरना मैं किस काबिल हूँ। अच्छा देखो शंकर, कल लंदन से मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन और जापान से मिस्टर कुरुसोवा आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं, गुड न्यूज सर। लेकिन दोनों को एक ही गाइड चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। अब तुम बताओ क्या किया जाए। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर, दोनों को शंकर ही गाइड करेगा। वो कैसे? सर आजकल हमारी फिल्मों के बड़े बड़े हीरो एक साथ चार चार फिल्मों की शूटिंग करते हैं, क्या मैं दो का गाइड नहीं बन सकता? आई मीन 7 से 2 मिस्टर और मिसेस जॉनसन और 2 से 10 कुरुसोवा। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट ऑफ यू। जाओ मैडम जोरो के पास जाकर अपने प्रोग्राम का चार्ट फाइनल कर लो। ओके सर। जाओ। मैडम, यू एंजॉइंग द ट्रिपिंग? वेरी गुड ट्रिपिंग। बॉम्बे गुड सिटी? वेरी गुड सिटी। आई एम ए गुड गाइड? यू आर अ वेरी गुड गाइड। हैप्पी? I am very happy with you. Thank you, madam. Money upstairs. Come on. जी हाँ जी हाँ, बेसहारा और अनाथ लड़कियों की सहायता करना तो मेरा धर्म है। मैं जरूर आऊंगा गोविंद राम जी। नमस्ते। यस सर, ये है आज की रंगीन शाम की आपकी हसीन साथी सलमा। ब्यूटिफुल, हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं। आओ सलमा। आदाब। आदाब। इसे अपना ही घर समझो। शुक्रिया। हमें इस बात की खुशी है कि आप हमारे यहां काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरा काम? घर और घर वालों की देखभाल करना। आपको तकलीफ तो होगी, उस कमरे से मेरा लाइटर ले आएंगी? क्यों नहीं।
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कमबख्त को आदत है, घबराओ नहीं, थोड़ी देर बाद खुल जाएगा, डरो नहीं, करीब आओ। नहीं नहीं हटिए, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। जाइए। छोड़िए मुझे, मेरे जिस्म को हाथ में लगाइए। उम्र अदा कर दी गई है, अब ये जस्म तुम्हारा नहीं। सुभान अल्लाह खालाजान, मजा आ गया। सलमा को इज्जत की रोजी मिल गई और हमें इज्जत की रोटी। दुआ करो अमजद मियां, एक बार सेठ अग्निहोत्री की नजर इनायत सलमा पर हो जाए, फिर अल्लाह कसम अपने बारे न्याय हो जाएगी। अच्छा नहीं है, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। वो तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था? हाँ। तेरी इज्जत है कहां जो कोई लूटेगा। खालाजान, आप तो मुझे बेटी बनाकर लाई थी और तूने हमें ये खिला दिया। भूल गई अपनी औकात? टुकड़े टुकड़े से मोहताज, तू यतीम को हमने सहारा दिया, रोजी से लगाया और तू उसे ठुकरा के चली आई। अरे आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है, हमारा भी तो कोई नाम है। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं अमजद मियां, अभी ले जाओ इसको उस शेख के पास। अब्दुल कादर यूसुफ, पकड़ो साली को, भाग रही है।
की बच्ची, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक तो है ना? मुझे गरीब पर बहुत मेहरबानी किया आपने, अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। अल्लाह ताला जरूर आपको इसका अजर देगा। कौन थे ये लोग? सौदागर, जिस्म के व्यापारी, बहन बनाकर मुझे लाए और एक दरिंदे के हाथ मुझे बेच दिए। इसी तरह अपने आप में बचाकर। घबराइए नहीं, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। चलिए मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। मेरा कोई घर नहीं है। कोई घर नहीं है? मैं यतीम हूं, बेसहारा हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आपने मेरी जान बचाई है तो एक ऐसा ना और कर दीजिए, मेरा गला घोट दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ऐसा मत कहो। जिंदा रहूंगी तो इन दरिंदों के जाल में फिर बच जाऊंगी और ये लोग मुझे मरने भी नहीं देंगे। तुम जिंदा रहोगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मगर एक शर्त पर। तुम मेरे घर में सलमा नहीं, शांति बनकर रहोगी। शांति? शांति? कौन शांति? कैसी शांति? यहां क्यों आई है, किस लिए आई है? अरे मैं पूछता हूं तुझसे, यहां लेकर क्यों आया? इसलिए कि इसका कोई है नहीं, बेचारी बिल्कुल बेसहारा। अरे तो मैं क्या करूं, ये कोई यतीम खाना है, भटियार खाना है, मुसाफिर खाना है। किसी भी खाने में इसको रख लीजिए पिताजी। क्यों रख लूं? नहीं रखता, ये घर मेरा है। कमाल है, कभी आप कहते हैं ये घर भगवान का है, कभी आप कहते हैं ये घर आपका है, मैं कहता हूं ये घर मेरा है, रामू कहता है ये घर उसका है। पहले तो ये तय कर लीजिए घर किसका है। अरे किसी का भी हो, मैं शांति को इस घर की अशांति नहीं बनने दूंगा। जाने इसकी जन्म कुंडली क्या है? पिताजी ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की है। अरे हिंदुस्तानी हो या इंग्लिस्तानी, मैं कुछ नहीं जानता। इस घर में या ये रहेगी या मैं रहूंगा। ये तो यही रहेगी। क्या? जी हाँ, इस बेसहारा लड़की को मैं समाज के भेड़ियों के हवाले नहीं कर सकता। ठीक है तो मैं ही चला जाता हूं। खुदा के लिए पिताजी को रोक लीजिए, मैं ही चली जाती हूँ। मैं इस भले घर में आग नहीं लगाना चाहती, मैं तो गैर हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तकदीर जहां ले जाएगी चली जाऊं। सुनो, तुम यहां से नहीं जा सकते। देखिए मुझे। तुम पिताजी को नहीं जानती, उनका गुस्सा दूध का उबाल है। उठा और बैठ गया, गरम गरम गए हैं, ठंडे ठंडे आ जाएंगे। 100 बार तो मुझे कह चुके हैं तू रहेगा या मैं रहूंगा। दीदी 21 बार तो मुझे भी ये कह चुके हैं, या तो तू इस घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूंगा। मैं रह गया वो चले गए, वो आ गए मैं चला गया, मैं आ गया। वाह वाह वाह, पिताजी के इसी आने जाने पर शायद ने क्या खूब कहा है। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। अल्लाह के समान आपके पिता। ये अल्लाह का घर नहीं है, भगवान का घर है। पिताजी अभी तक नहीं आए। तो मारियो मारियो मारियो। रामू अगर तुमने रोटी बना ली हो तो जल्दी ले आओ, बड़ी भूख लगी है। जी आज रोटी मैंने नहीं बनाई है, शांति दीदी ने बनाई है। क्यों? चौका चूल्हा तो औरतों को शोभा देता है, और फिर मेरा घर तो डाक घर है, कोई रसोई घर नहीं। खाने खा लीजिए पिताजी। मुझे भूख नहीं है। क्यों? अभी तो कह रहे थे आपको बहुत भूख लगी है। लगी थी, जीरा शास्त्री किसी हरे गहरे को आपके बना खाना खा ले, असंभव असंभव। अबे रामू, तू तो अब तक घास खिलाता रहा, खाना तो इसे कहते हैं। उड़द की दाल पर क्या तड़का लगाया है शांति ने। गुरु ये चटपटे छोले देखो, इसे देखकर फिल्म शोले याद आती है, उसे देखते जाओ और इसे खाते जाओ। क्या खाना है, कभी भूल नहीं सकता।
हाय ऊपर से पुदीने की चटनी नींबू निचोड़ कर। खामोश, मेरे जख्मों पर नींबू मत निचोड़ो। अरे मूर्खो मुझे सो जाने दो। आज नींद नहीं आने वाली। कर लीजिए। मुझे भूख नहीं। पिताजी आपने रात को भी कुछ नहीं खाया, खाली पेट मत जाइए, कुछ तो खा लीजिए। नहीं खाऊंगा, भूखे पेट काम पर जाऊंगा, मुझे क्या। आप शांति का तो ख्याल कीजिए, आपने नहीं खाया, इसने भी नहीं खाया, बेचारी रात भर की भूखी है। संभल के, इस केस में तुम मुसलमान लड़की हो और हमीदा बानो तुम्हारा नाम है, मेरी भतीजी बन के गवाही दे रही हो। क्या बच्चों जैसी बातें करते हो हैदर मियां, वो मुगले आजम वाली उर्दू बोलूंगी कि कोर्ट कचहरी वालों को तो छोड़ो, तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे। लाओ मेरी फीस, पूरा 100 रुपए एडवांस, शाम तक पहुंचा दूंगा। मेरे मोहतरम वो मुकर्रम चचा हैदर बेग, इस सिलसिले में बयान देने से माजूर और मजबूर हैं। मैं आली जनाब इज्जत माफ जज साहब से गुजारिश करती हूं कि मेरा बयान मेरी जुबान से सुनने की जहमत फरमाएं। ये हादसा है जाग का राह रास मेरी जात से वाबस्ता है। बकौल शायर, कहां से लाएगा कासिद दहन मेरा जुबान मेरी, मजा होता के सुनते आप मुझसे दास्तां मेरी। ऑर्डर ऑर्डर, इजाजत है। जनाबे आला, 3 रकात फर्ज नमाज मगरिब अदा करने के बाद जब मैं खद्दे आदम आईने के रूबरू खड़ी, अपनी पेशानी का पसीना पश्मीने के दुपट्टे से पोंछ रही थी कि अचानक कदमों की चाप ने मुझे चौंका दिया। अपने खाबगाह में एक गैर मर्द को देखकर मैं तो बहुत रह गई। जनाबे आली, जानते हैं आप वो नामकुल कौन था? ये माशाल्लाह खान वर्द इंशाल्लाह खान। ये तोहमत है। ये हकीकत है। ये इल्जाम है। ये खाले खान है। ऑर्डर ऑर्डर,
किबलो काबा, मैंने इसे 12 कहा, चचा हैदर अपने भाई कादर के साथ दादर गए हुए हैं। ये सुनकर इसकी दाढ़ी के बालों में चमक आ गई। इस मर्दूद बरादर नमरूद ने क्या किया मालूम है आपको? नहीं मालूम। तो सुनिए, इसने कहा, जाने मन तुम्हारे जमाले बाकमाल का शोलाए हुसन हमेशा के लिए चार दीवारी में बुझ जाएगा। मैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा। 70mm और सिनेमा स्कोप की पर्दाए सीमी की जीनत बनाकर तुम्हें ऐसी फिल्मी सितारा बना दूंगा कि अजीजा मीना कुमारी की पाकीजा को भी लोग भूल जाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। इसके बाद आलीजा, मेरा इनकार, इसका इसरार, मेरा गुस्सा, इसका नापाक इरादा, ये आगे बढ़ा, मैं पीछे हटी, ये आगे बढ़ा। मेरी जैनी कश्मकश का ये आलम था कि ये शैतान मुझे प्रेम चोपड़ा नजर आने लगा। जज साहब, वो तो खुदा का फजल हुआ कि ऐन उस वक्त मेरे चचा जान फरिश्ता रहमत बनकर नाजिल हो गए। जनाबे आली, इंसाफ का नाम आप ही के जाते ग्रामी से रोशन है। ऐसे बदकरदार, बदनीयत, बदफितरत, बदकमाश दरिंदों को ऐसी गजबनाक सजा दीजिए ताकि इनके नापाक हाथ हमारे दामन तक ना पहुंच सके, हम अपने घरों में इत्मीनान और सुकून की सांस ले सके। चचा जान, आप परेशान मत होइएगा, इस काफिर को सजा जरूर मिलेगी और आप बेइज्जत बरी हो जाएंगे। सलामत रहो अजीजा। शाम तक मेरा रुपया पहुंचा देना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर से गनी लो। बराबर छे मैं बच। मेरे जिगर के टुकड़े। क्या हुआ बड़ी? तो क्यारी की पुकार सुनकर पत्थर में भी छेद पड़ जाते हैं। मिया, इस मुसीबत की मारी को जरा पुलिस स्टेशन तक न छोड़ दो। पुलिस स्टेशन? तुमको किसी ने सताया क्या? मेरा जीना हराम करने वाला कोई गैर नहीं, मेरा खाविंद है। तुम्हारा खाविंद? तेरी जवानी की कसम, 50 साल हो गए शादी को, लेकिन मुआ जब शराब पी के आता है तो जवानी चढ़ जाती है। माटी मेरा शराब पी पी के मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है। उसके साथ जवानी जला के बुढ़ापे में आई, अब कहता है फिर से जवान हो जा। अब तू ही बता, गई जवानी वापस आती है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कमबख्त बिल्कुल वापस नहीं आती। मुए के मुंह से 3 बोल तलाक के ना निकलवा दूं तो मेरा नाम भी बद्रुनिसा नहीं। बस मुझे जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो तब मैं जानू मेरा नसीब। नहीं नहीं शंकर, बड़ी दुखिया रही है बेचारी, उसकी जरूर मदद करो। नहीं नहीं माँ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जीते रहो बेटा। बड़ी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं तेरे सदके जाऊँ, अल्लाह तेरी जवानी को सलामत रखे। मजबूती से पकड़ो बड़वी। तुम ठीक कहते हो मेरे आओ बड़वी। बड़वी, हाथ क्यों दबाया? हाथ मैंने दबाया या तूने दबाया लफंगे? अरे भाई सुनो, देखो इस बदमाश की हिम्मत, दिन दहाड़े पर्दा नशी लड़की को छेड़ रहा है, वो भी पुलिस स्टेशन के सामने। लड़की? लड़की नहीं तो क्या लड़का? मोनी तू? सुनो, मोनी सोनी बना रहा है मुझे, रिश्ते नाते जोड़ रहा है, लोफर कहेगा। मोनी तुझे क्या हो गया है? मोनी को छोड़, रास्कल पास्कल का हाथ देख। हां हां रास्कल दादा, कानून को हाथ में मत लो। क्यों बेछड़क छाप मजनू, लड़की को छेड़ता है? अब अल्लाह साहब, मैंने नहीं, इसने मुझे छेड़ा है। ये झूठ है, इसने मुझे छेड़ा है। 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 खामोश।
जब हम डंडा राख छेड़ेंगे मालूम होगा किसने किसको छेड़ा है। हवलदार साहब सुनिए, मैं चुप। तुकाराम, इन दोनों को लॉकअप में बंद करो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। क्यों, कैसा रहा ये नाटक? नाटक की बच्ची, मैं तुझे देख लूंगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू मुझे अच्छी तरह से देख ले, जान ले, पहचान ले, इसीलिए तो इस लाश पर लेकर आई हूँ। छोड़ मुझे। आहा, अरे कठोर, छह आठ की इस खोली में चार छह बातें प्यार की तो कर ले। छोड़ ना। ऊपर वाले, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, मांगू तो मांगू इस बेदर्दी का उम्र भर का साथ। राम उम्र हमें साथ साथ हो जाए। Thank you.
करो, बोर मत करो। अच्छा अवलदार, धन्यवाद। अच्छा अवलदार, धन्यवाद। अच्छा अवलदार, धन्यवाद। आजकल के प्रेमी कोई जगह नहीं छोड़ते, कम्बत पुलिस स्टेशन को भी हिल स्टेशन बना देते हैं। अच्छा हवलदार, धन्यवाद। हवलदार, बैठे बिठाए एक मुसीबत आ गई। पूरे एक महीने का चक्कर हो गया, ऊपर से तुम सब पर एक बोझ बन गया हूं। ले लीजिए पिताजी। पिताजी, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अब तो मैं चल फिर भी सकता हूँ। नहीं पिताजी, डॉक्टर ने अभी भी मालिश करने के लिए कहा है। अजीब बात है बेटी, दूर से तो इंसान का चेहरा भी साफ नजर नहीं आता, लेकिन वही इंसान जब नजदीक आ जाता है तो उसका दिल भी नजर आने लगता है। बेटी, मैं नहीं जानता तू कौन है, कहां से आई है, लेकिन तूने आते ही चुपके चुपके मेरे दिल में घर कर लिया, सारे दुख दर्द समेट लिए, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बेटी तो बाप के लिए बहुत कुछ करती है। नहीं शांति, मैं तुझे बेटी नहीं बना सकता। अरे बेटी तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। तुझे इस घर की शोभा बनाकर हमेशा यहीं रखूंगा। शांति, शांति, शांति स्त्री हो गई। सुनो, मेस के खाने में मैंने दूरबीन रखी है, वो जरा ले आओ। और सुनो, मेरी धूप वाली टोपी और मेरा रुमाल और मेरा चश्मा, प्लीज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी ले आओ। बात करने की तमीज सीखो, हर वक्त बिचारी में हुकुम चलाते रहते हो, अपना काम अपने हाथ से करना सीखो। पिताजी मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे तुम्हें जल्दी बीमारी लग गई है, छुट्टी के दिन में जल्दी चले कहाँ है ये बताना जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। तो सुनिए, आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का आखिरी दिन है, इसलिए मैं वानखेड़े स्टेडियम जा रहा हूँ।
आपको जानकर ही खुशी होगी कि आप नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि घर में लोग खाना खाने आ रहे हैं। घर में ना प्याज है ना बटाटा, ना सब्जी है ना आटा। तो टाटा? नो टाटा। आप इसी वक्त मुझे अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर सब्जी मंडी लेकर जाएंगे और वहां से आटा बटाटा मूली गाजर धनिया पुदीना सब दिलाएंगे और फिर मुझे घर पर छोड़कर जाएंगे और उसके बाद मैच खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको लेकर जा नहीं सकता। शांति, इससे कह दे कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है। शांति, इन्हें कह दे मैं भी अपने बाप का बेटा हूँ। शांति, इससे कह दे कि मैं भी अपने बेटे का बाप हूँ। इसकी सिद्ध नहीं चलेगी, इसे चलना ही पड़ेगा। शांति, इन्हें कह दे मैं इन्हें लेकर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर वर्मा, आप कौन? डॉक्टर चाचा। राम 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 राम। बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी डॉक्टर साहब। आप जैसी देवता स्वरूप इंसान के साथ भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे रोशनी देने वाला खुद अंधेरों में डूब गया। डॉक्टर चाचा, आपकी बर्बादी का कारण मैं हूं। नहीं बेटे, मुझे भाग्य के नसीब में यही लिखा था। डैडी, डैडी, डैडी। बेटी, पहचाना इसे? अरे ये शंकर है, वही शंकर तेरे बचपन का साथी। शंकर? नीतू, नीतू बेटे। शास्त्री अंकल? हाँ बेटे हाँ। नीतू, नीतू, मुझे माफ कर दे। मुझ बदनसीब को क्या मालूम था मेरी मंजिल मेरी तलाश मेरे सामने है और मैं भटकता रहा। अब जिंदगी भर भटकते रहो, मैं हाथ आने वाली नहीं। शंकर बाबू, अब तो मेरी बारी है, गिन गिन के बदले लूंगी। नीतू, राम करे के उम्र कैद हमें साथ साथ हो जाए। मुझे 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 तुझे प्यार की लग जाए हथकड़ियां। मुझे मुझे तुझे प्यार की लग जाए हथकड़ियां। सच मुझ हो या सपना हो खुशियों की न टूटे ये लड़ियां। राम करे के उम्र कैद हम साथ साथ हो जाए। तुझे मुझे तुझे मुझे मुझे तुझे प्यार की लग जाए हथकड़ियां। मेरे
बचपन की आरज़ू है तेरे लिए मैं बना, मेरे लिए बन तू, मैं हूँ तेरे तू है मेरे बचपन की आरज़ू। ओ रामा रामा राम करे के उम्र कैद हम साथ साथ हो जाए, तुझे मुझे तुझे मुझे मुझे तुझे प्यार की लग जाए हथकड़ियाँ, सचमुच हो या सपना हो खुशी हो कि न टूटे ये लड़ियाँ, राम करे के उम्र कैद हम साथ साथ हो जाए, तुझे मुझे मुझे तुझे प्यार की लग जाए हथकड़ियाँ। सर ये रहा आपका चश्मा। दे जाती है दिल जब दिल से मिलता है, पर मेरी जा चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जब मिल जाता है ना हाय तो जवानी पे निखार आ जाता है। तूने ठीक कह रहा हूं, मैं तो अभी तक बचपन में ही खोया हुआ था, कमबख्त जवानी का एहसास तो अब हुआ है। बालक अब मुझे रोको मत, मैं जा रहा हूं। जाओ जाओ बालक, बड़ी मुश्किल से जवान हुए हो। Yeah.
कौन है? मैं पूछता हूं कौन है? बोलते क्यों नहीं? कौन है? तुम्हारी मौत नहीं बनना चाहते। डॉक्टर चाचा, अब आप उस घर को भूल जाइए, आपको यही रहना होगा। आप उस घर में नहीं रह सकते, नहीं तो इन्हें घर से निकलने मत देना। इनका घर से निकलना खतरे से खाली नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने आपको नया जीवन दिया। मेरे लिए तो शंकर भगवान शंकर का रूप बनकर आ गया, वरना शास्त्री जी आज मेरी बेटी नहीं तो इस दुनिया में भटकने के लिए बिल्कुल बिल्कुल अकेली रह जाती। चाको राखे साइयां मार सके ना कोई, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात समझ नहीं आ रही कि आप जैसे देवता स्वरूप इंसान का दुश्मन कौन हो सकता है? लानत है तुम सब पर। हमारा आदमी मर गया और वो डॉक्टर बचकर निकल गया। घबराने की बात नहीं सर, डॉक्टर वर्मा ने आपको देखा नहीं क्योंकि वो अंधा है। अंधा है तो क्या हुआ? उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उसे किसी तरह से भी ढूंढ निकालो। सलमा बताओ तो ये कौन है? एक बच्चा एक बच्ची। अच्छी तरह देखो, तुम इन्हें रोज मिलती हो रोज देखती हो, फर्क है तो सिर्फ बचपन और जवानी का। रोज मिलती हूँ रोज देखती हूँ। हाँ हाँ, नहीं पहचाना ना? अरे पगली,
ये मैं हूँ और ये मेरा शंकर है। शंकर? हाँ शंकर, मेरे बचपन का साथी। बिछड़ गए थे फिर मिल गए। क्यों चुपके चुपके दोनों में क्या बातें हो रही हैं? मैं अपनी प्रेम कहानी सुना रही थी। क्यों सलमा, तुम्हें नीतू पसंद है ना? अरे नहीं है तो साफ साफ बता दो, अभी इसी वक्त कैंसिल। आई मीन बहुत खूबसूरत जोड़ी है, खुदा बुरी नजर से बचाए। साथियों, आज की ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हमारा ग्रुप एक बहुत बड़ी इमरजेंसी का सामना कर रहा है। मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम में से ही कोई हमारे अहम राज और इन्फॉर्मेशन हमारे ही दुश्मनों तक पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हो गया है। मैं जानता हूं वो गद्दार कौन है। यमुना दास, अग्निहोत्री की आंख एक्सरे से भी ज्यादा गहरी है। दगाबाज कमीने, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं नहीं, अग्निहोत्री मैं नहीं हूं। रामदयाल, मैंने कहा था ना कि अग्निहोत्री की आंख एक्सरे से भी ज्यादा गहरी है। अग्निहोत्री मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अग्निहोत्री। That's all for the day, friends. Meeting is over. अरे यार मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई और आज हमारी तबीयत साफ हो गई। भाईजान, आज आपके साथ क्या गुजरी बताइए। बताऊं? तो फिर सुनिए, आज बस में एक मोटी ताजी मैडम सिर्फ आधा दर्जन बच्चों को बंबई की सैर करवाने निकली। बस मैं तुझे क्या बताऊं, बस का हर टूरिस्ट बेबस होकर रह गया। एक बच्चा पिशाब कर रहा था, दूसरा किसी की दाढ़ी नोच रहा था, तीसरा आइसक्रीम खा रहा था, चौथा रो रहा था और पांचवा छठा तो मिला ही नहीं। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी आइंदा जब भी आप सैर करने को निकले कम से कम आधे बच्चों को तो घर छोड़ाइए। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने तो वही किया है, छह मेरे साथ है और छह घर छोड़ा हुआ। शंकर भैया, आपको मैडम बुला रही है। मैं अभी आता हूं। मैडम जोरो, ये सरासर इल्जाम है, मैंने इन्हें दफ्तर के काम के लिए घर बुलाया था। शट अप, तुम मर्दों की जात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम हमेशा औरत की कमजोरी का फायदा उठाते हो और यही वजह है मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है और हमेशा रहेगी। मैडम जरा मेरी भी तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। यू आर डिसमिस्ड, अपना फुल एंड फाइनल करो एंड गेट आउट ऑफ हियर। मैडम। यस? नो। नो? यस यस, मेरे कल के चार्ट का टूर। व्हाट? आई मीन मेरा मतलब मेरे कल के टूर का चार्ट। Ladies and gentlemen, then in the evening, we go to Film City, Hollywood of India. There you are going to see Angry Man Amitabh Bachchan, Dream Girl Hema Malini. And after that, you are going to see Padmini Kolhapuri. I mean not the puri in the lunch you're tasting. It is Padmini Kolhapuri, the girl who kissed Prince Charles of England. Thank you.
शास्त्री जी, आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। शंकर ने हमारे बच्चों की जान बचाई है, भगवान उसे जरूर बचाएगा, जरूर बचाएगा। डॉक्टर साहब, कैसे मेरे शंकर? ये ऑपरेशन हो गया है, लेकिन शंकर की हालत बहुत सीरियस है। जब तक उसे होश ना आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आप लोग दुआ कीजिए। भगवान पर भरोसा रखो दीनानाथ, सब ठीक हो जाएगा। रसूली पा, रसूली पा, रसूली पा।
पिताजी। शंकर को होश आ गया, मेरे शंकर को होश आ गया। भगवान ने आप लोगों की सुन ली, मेरा शंकर बच गया, मेरा शंकर बच गया। शांति, शांति, शांति कहाँ चली गई? पाक परवरदिगार, तू मेरी जान ले ले, लेकिन शंकर की जान बचा ले। शंकर नहीं, अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी जगह दिलों में है, हमारे दिलों में है शांति। शांति ने जो जगह बनाई थी वो सलमा ने मिटा दी, और जो सलमा ने इस घर के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन शंकर, प्यार ही प्यार था मेरे लिए जिन आंखों में, अब उन आंखों की नफरत मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं पिताजी के सामने नहीं कर सकूंगी। आज ईद का दिन है, अभी इसी वक्त ये जोड़ा पहनकर मेरे सामने आओ, जाओ। बेटे, तेरा रास्ता सही है, मेरा रास्ता गलत था। मैं भटक गया था, मैंने अपने आप को अंधेरों में बंद कर रखा था। मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा था, पाप कर रहा था। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि दूसरों के लिए जीने में कितना आनंद है, कितना सुख है, कितनी शांति है। बेटे, मुझे माफ कर। ईद मुबारक हो बेटे, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो बेटे।
तुम दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हैं। तुम बात कर रहे हो ईस्ट एंड वेस्ट, वी आर द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन डिक्री, कॉन्ग्रेचुलेशन। शू इतफाक छ, हम भी शादी बना रहा है। सो शादी और आपकी? नहीं तो क्या, मेरे बाप की? इकरा काम वही जो वक्त पे हो जाए। मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन बाजी, एक प्रॉमिस, शादी एक साथ, रिसेप्शन एक साथ, हनीमून एक साथ। अरे मिला हाथ, अरे अब्दुल, इसी खुशी में कर दे टंकी फुल। नो टैंक फुल, हो जाओ यहाँ से गुल। क्यों? शादी, रिसेप्शन और हनीमून एक तरफ, धंधा एक तरफ, उधार बंद। अरे भाई जल्दी से बिल चुका भी रहो नहीं। अरे वाह क्या बात करता है, परसों ही तो तुम्हारा बिल चुका है मैंने। परसों चुका दिया साला, तीन महीने को परसों बोलता है। आ अंदर हिसाब का झोपड़ी बैठा साला, मेरे को बकरा बनाता है। अरे तुमको बकरा नहीं बना, हमको सब मालूम है। मोनी बेन। अरे तुम्हें क्या छोड़ने चला गया जालम, घेर छोड़ने चला गया, कचहरी छोड़ने चला गया, हमें बंधन छोड़ने चला गया हो। तुम्हारे बिना सारे केस फंसे हुए हैं और हम यहाँ फंसे हुए हैं। हे मोनी बेन, आज चलो एक केस पता भी नाको हो। आज नाको, डेट कल की ले लो, रोकड़ा आज आप ही दो। एडवांस नहीं तो मेरे आने का कोई नहीं है चांस। बच्चू भाई आप ही दो, आप ही दो, वादा नहीं पाकी छे। आप लो, अब चलो। अजीजा, अजीजा, अजीजा तू क्या गई कि मेरी दुनिया बदल गई, केस ऐसा बिगड़ा कि चुरी मुझ पे चल गई। डेट कब है? कल सुबह। एडवांस आज सुबह 100 रुपए। सौ रुपया देता हूँ, देता हूँ, ये लो। नहीं 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 नहीं, पहले रोकना भरी दो, बीजी बात में दम न थी। बीजी बात में दम छे रुस्तम सेठ, जो जो पहले रसीद कॉपी नाको। नो नो नो, पहले रोको आत्मा आप ही दो। मोने आदत से मजबूर। मैं सलमा तेरे लिए दवाई लेकर आया। कहां चली गई सलमा? सलमा, सलमा, सलमा। सलमा ये तू क्या कर रही है? खाना बना रही हूं। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 3 दिन से बुखार में पड़ी है और चली आई रसोई घर में। अरे जिसने खाना होगा खाने के लिए होटल में। आप तो बाहर का खाते नहीं है और आपके तो नवरात्रि के उपवास भी चल रहे हैं। अगर मैं खाना नहीं बनाऊं तो आप उपवास कैसे खोलेंगे? अरे उपवास किया बाहर में, मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। जरा अपनी हालत तो देख, बीमारी बढ़ गई तो परेशानी किसे होगी, तुझे नहीं मुझे। चले जा, लेट जा। देख अब तू यहां से उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बुरी लगी तुझे? जबान का कड़वा हूं, ऊपर से बूढ़ा भी तो हो गया हूं, न जाने क्या क्या बक जाता हूं। बेटी मुझे माफ कर दे। बेसहारा को इतना प्यार मत दीजिए पिताजी, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। बेटी तू किस काबिल है,
ये मेरे दिल से पूछ। बेटे बेटी, सोचा था तुझे हमेशा अपने पास रखूंगा, लेकिन एक न एक दिन तो विदा करना ही पड़ेगा। बेटे तू तो डोली में बैठकर अपने पिया के घर चली जाएगी, लेकिन इस बूढ़े का आंसू कौन पोंछेगा बेटे? अल्लाह, नूर टपक रहा है चेहरे से। इस बच्ची की सादगी ने, इसके शर्म हया ने मेरा दिल जीत लिया है। नजर भाभी, आप जैसे नेक परिवार में अगर सलमा बहू बनकर चली जाए तो मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात होगी। शेख साहब, आज अगर अख्तर यहां होता तो कितना अच्छा होता। अरे भाई शास्त्री, छुट्टी में आएगा तो वो भी देख लेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मेरी और मेरे बेटे की पसंद एक है। आप यूं समझिए, सलमा हमारी हो गई। आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अरे भाई शास्त्री, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी दोस्ती अब रिश्ते में बदल रही है। शास्त्री, चाय। चाय? चाय तो मैं पीता हूं। अच्छा भाई साहब, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा सलमा बेटी, खुदा हाफिज। शेख साहब, आज आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया और तुमने इंसानियत का। शास्त्री, जब तक तुम जैसे लोग जिंदा हैं, इंसान कभी नहीं मर सकता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझकर घर से निकाल रहे हैं। तेरा बाप मजबूर है सलमा, जवान बेटी को तो राजे महाराजे भी घर में नहीं रख सकते। साथियों, मेरे भाइयों, आप सब ने मुझे इस कन्वेंशन का सभापति चुना, मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है, बहुत खुशी की बात है। मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आप अपने इस सेवक को नहीं देख सकते, लेकिन एक बात की खुशी भी है कि मैं आप सबको देख रहा हूं, आपकी हर समस्या को समझ रहा हूं, आपके जज्बात को महसूस कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि दुनिया का हर देखने वाला आपकी तरफ देखे, आपकी समस्याओं को समझे, आपके जज्बात को महसूस करे। डॉक्टर, माना कि हम आपको आंखें नहीं, छोकरे की आंखों का ऑपरेशन किया था, उसकी फीस तो तुम्हें मिली ही नहीं। दे सकते हैं। ये रही तुम्हारी फीस। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लोगों को रोशनी देने वाले मैं तुझे जिंदा रखूंगा, लेकिन अंधेरों में रोशनी की फीस अंधेरा। मैं तुझे जिंदा रखूंगा लेकिन अंधेरों में, अंधेरों में तू ही खूनी है, वही पापी है।
खून। क्या हो गया आपको, होश में तो है आप? ये सेवा तक नहीं होती नहीं है, ये खूनी जोगिंदर सिंह है। डोंट वरी सर, आज वो अंधा अपने घर नहीं पहुंचेगा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर चाचा? मिस्टर अग्निहोत्री और जोगिंदर, ये कभी नहीं हो सकता। मैं 5 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं। शहर का बच्चा बच्चा जानता है, वो शहर के बहुत बड़े रईस हैं, दानवीर हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। मेरी आंखें नहीं तो क्या हुआ बरखुरदार? भगवान जब एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरी शक्ति बढ़ा देता है। मेरे कान कभी धोखा नहीं खा सकते और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं उस कुत्ते जोगिंदर की भयानक आंखें और दाढ़ी कभी नहीं भूल सकता। ये देखिए, आज उनकी तस्वीर छपी है और ये तस्वीर उसी सभा की है जहां आप कल गए थे। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप पर बार बार हमला कौन कर रहा है। वही दरिंदा जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह, भेस बदलकर दुनिया को कब तक धोखा देता रहेगा? पहले सामने आओ दोनों तुम। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। अंधे हिम्मत है तो सामने आ।
डॉक्टर वर्मा कहाँ है? डॉक्टर वर्मा यहाँ? वो यहाँ कैसे आ सकता है? आपको जरूर कोई वहम हुआ है। मुझे वहम हो गया है? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ इडियट? मैं पूछता हूँ आज वो बचकर कैसे निकल गया? इस अंधे ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। मुझे डॉक्टर वर्मा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? नो गेट आउट। आइए सर। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन पिताजी। माय बॉस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। हाँ शंकर, जो कुछ भी है आप ही की वजह से तो है। शुक्रिया। नीतू, माय बॉस मिस्टर अग्निहोत्री। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। भाई शंकर, हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं। लो बेटा, हमारी तरफ से एक नाचीज तोहफा। शुक्रिया। भाई और बहनों, शंकर और नीतू के मिलन की इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम आप लोगों के सामने एक म्यूजिकल आइटम पेश करने जा रहे हैं, जिस आइटम का नाम है आंखें। आँख दिल की जुबान होती है, झूठ सच का बयान होती है। भगवान है आंखें, शैतान है आंखें, कमजोर है आंखें, बलवान है आंखें। ये झूठ नहीं कहती, पर्दे में नहीं रहती। ये झूठ नहीं कहती, पर्दे में नहीं रहती। हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें, हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें। भगवान है आंखें, शैतान है आंखें, कमजोर है आंखें, बलवान है आंखें। ये झूठ नहीं कहती, पर्दे में नहीं रहती। ये झूठ नहीं कहती, पर्दे में नहीं रहती। हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें, हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें। भगवान है आंखें, शैतान है आंखें, कमजोर है आंखें, बलवान है आंखें। जब पर्दा उठेगा तो हर एक बात खुलेगी। सच्चाई जमाने में छुपी है ना छुपेगी। जब पर्दा उठेगा तो हर एक बात खुलेगी। मिट्टी का घड़ा लेके जो पानी में चलेगा, लिखा है किताबों में वो बेमौत मरेगा। चेहरा तो है इंसान का, हैवान है आंखें। चेहरा तो है इंसान का, हैवान है आंखें। भगवान है आंखें, शैतान है आंखें, कमजोर है आंखें, बलवान है आंखें। आंखें
ही सबके गुनहगार हैं यारो, जंगल के दरिंदे हैं ये खूंखार हैं यारो, मेरे ही नहीं सबके गुनहगार हैं यारो, मुजरिम है ये हर जुर्म के तुम इनको सजा दो, ये तुमको मिटाते रहे तुम इनको मिटा दो, इनकी ही इनायत से तो बेजान है आंखें, इनकी ही इनायत से तो बेजान है आंखें, भगवान है आंखें शैतान है आंखें, कमजोर है आंखें बलवान है आंखें, ये झूठ नहीं कहती पर्दे में नहीं रहती, ये झूठ नहीं कहती पर्दे में नहीं रहती, हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें, हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें, शैतान है आंखें, शैतान है आंखें, शैतान है आंखें, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला। आज तू बच के नहीं जा सकता कभी भी।
तेरा जवाब नहीं। मैं समझता था तेरा इंसाफ अंधा होता है, लेकिन नहीं, तो हर पापी को उसके किए की सजा इसी जन्म में देता है। जोगिंदर सिंह, तुम जिंदा रहोगे लेकिन अंधेरों में। तुम देख सकोगे सिर्फ अपने गुनाहों को, अपनी काली करतूतों को, समझे? तो डोली में बैठकर अपने पिए के घर चली जाएगी, लेकिन इस बूढ़े का से कौन पूछेगा बेटे? अपने लिए तो सब जीते हैं, पाँव की खातिर जी कर देखो, अपना दुख तो सब सहते हैं, पाँव